नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र राव और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। और इस चुनावी यात्रा में हम जब घूम रहे हैं गांव-गांव, तब जहां भी किसी चौक चौराहे पर लोग मिल रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉमिनेशन अब होगा उससे पहले जनता क्या मूड बना रही है, क्या चल रहा है पब्लिक के दिमाग में और उनके गांव में, क्योंकि अभी भी लालगंज या उसके आसपास का क्षेत्र जो आपका जारंग या फिर पुरनटार ये सब है, ये सब पानी बाढ़ से काफ़ी प्रभावित रहा है, उसमें उनको क्या मदद मिली है और उस लिहाज से जो भी उनको मदद मिला है या नहीं मिला है, उस हिसाब से जनता क्या सोच रही है, आने वाला चुनाव उनका क्या रणनीति होगी, उनकी क्या मंत्रणा होगी, क्या रणनीति होगी, उस पर बात करने के लिए हम लोगों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में इस चाय की टपरी पे मिले हम लोग, काफ़ी लोग मिले, कुछ उम्मीदवार के प्रत्याशी के तौर पर भी मिले हैं और कुछ लोग भी मिले हैं। तो ये एक थॉट जानने के लिए हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, बस यही जानना है और कुछ नहीं जानना है। तो सर नाम बताइए। जी, मेरा नाम रामेंद्र हुआ। तो क्या खिचड़ी, रिपीट कर दे, खिचड़ी क्या पक रही थी? खिचड़ी तो यही पक रही है जो फिलहाल में अभी दृश्य देख रहे हैं, जो अभी घर तक जाने का रास्ता भी नहीं है, कोई अवस्था नहीं है। कोई अवस्था नहीं है, जनता उपला के उसमें अति में पड़ा हुआ है, अबोध में जाल में फंसा हुआ है, मछली पकड़ रहा है। और अगला प्रतिनिधि जीत के 15 साल क्या किया, और बीडीओ सीओ के सब के मिलाए हुआ है। 15 साल जीत में किया है? हाँ, 15 साल जीता कैसे? 15 साल और 15 साल ऐसे ही कोई जनता का प्रलोभ दिया, प्रलोभन में फंस गया जनता, कहा कि चलिए ना, इस बार ना हो रहा है, इस बार हो रहा है। अच्छा अच्छा, चाहेगा आप बताइएगा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपका क्या विचार है इस पर? हमारा क्या विचार है चुनाव के दौरान आने वाला है समय, आपको क्या दिमाग में क्या चल रहा है इसे बताइए, कैसा काम हुआ है, कहाँ पंचायत में कैसा नहीं हुआ है, उसके बारे में बताइए। दिमाग में तो है कि जे करते हैं अपना, वो अपना हिसाब से करते हैं। दोबारे नंबर की बाढ़ पीड़ित के लोग दहाया हुआ, लोगों में कोई उपाय नहीं है, उसमें कोई राहत नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई राहत नहीं। अच्छा, लालगंज में तो कम्युनिटी किचन बहुत चला है, इधर कुछ ऐसा चला है कि नहीं चला है? जी नहीं, जी नहीं, डूब गया उसके लिए, जी नहीं, जी नहीं, देखे कि नहीं कम्युनिटी किचन चल रहा है जगह जगह पे? जी नहीं, जी नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई अथि नहीं, कुछ नहीं है, कोई उपलब्ध नहीं है, कोई राहत नहीं, पूरा सरकार डूब गया। नीतीश भाई घूस खा के रह गए वहाँ, नीतीश भाई घूस खा के रह गए, सीधे मुख्यमंत्री पे। हाँ, तो खैनी के लिए कहते हैं कि अति कैंसर हो जाएगा, खैनी नहीं रोपो, मगर उनका मनी पे भी फूल हो जाएगा। तो बाढ़ राहत में हम लोगों को मदद नहीं मिली है, उसके लिए आप लोग क्या किए हैं? आप लोग क्या किए? हम लोग क्या करें? आवेदन दिए, आवेदन तो लगाए हैं, फिर भी उसका सुझाव होगा तब ना। किसको दिए थे आवेदन? ब्लॉक तक पहुँचाए हैं, अब देखिए अब वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। हाँ भाई, कोई बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। चाचा नाम बताइए। नाम तो मेरा जगदीश राय है। जगदीश राय जी, क्या चल रहा है चुनाव का तैयारी इधर? देखिए, चुनाव तो अभी इसका नॉमिनेशन का समय रेखा जो है सब निकल चुका है, इसका रणनीति लोग तय कर रहे हैं। नॉमिनेशन होगा 25 तारीख के बाद, 25 से 1 तारीख तक होगा। और विशेष क्या बात बतावे, किस पहलू पर कह है आपको बताइए जी? 5 साल में, जी 5 साल में कैसा काम हुआ है? 5 साल की बात क्या कहें, यहाँ तो 15 साल की बात रही। काम हुआ से पूरे समाज को प्रतीक के रूप रेट कर रहे हैं जी। आप कितना रेट कर रहे हैं काम को, कितना नंबर दे रहे हैं? कोई उपलब्ध नहीं है। अरे हम लोग के साथ तो कोई अथी नहीं है, साथे नहीं है, तो हम लोग अपनी बात क्या रखे आपको? भोटवा तो देते हैं ना। हाँ, भोटवा तो देते हैं, भोटवा ना देंगे तो बने हैं कैसे? भोटवा तो देने ही से बने हैं ना, प्रतिनिधि हुए। कहाँ? रुकिए 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 रुकिए। नाम? नाम रंजीत कुमार। कहाँ घर है? घर तो लखनसराय। कैमरा मैन जरा इधर जाइए, आप इन्हें आइए इधर। हाँ सही बात, सामने हाँ। चुनाव के चर्चा हो रहा है, भागने लगे, थोड़ा आवाज में बताइए। चुनाव तो होगा ही, और क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो ठीक ठाक ही जाएगा, ठीक ठाक जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे 2 लोग हैं जो अभी तक तो मित्र हैं, आगे का पता नहीं, चुनावी संग्राम में देखेंगे। नाम बता दीजिए पहले अपना। अपना मेरा नाम अनिल पासवान है। सर मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार सिंह। हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं, हम लोग मैक्सिमम पंचायत स्तरीय नेता हैं। हम स्थिति और परिस्थिति का आकलन पंचायत वर्ग का कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में आज यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है, पुरनटांड पंचायत की जनता इस चुनावी दौर में
बदलाव चाह रही है। आप भी उम्मीदवार हैं? जी हाँ। आप भी उम्मीदवार? नहीं सर, हम उम्मीदवार नहीं है, तुलसी गौरी है उम्मीदवार यहाँ की। आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? नहीं, हम दोनों तो एक दोस्त हैं और बहुत ही ना। हाँ सर, चुनावी मैदान में? हाँ जी, हर वक्त, क्योंकि ये तो एग्जाम दे रहे हैं हम दोनों भाई, एक कुर्सी है और यहाँ 6 कैंडिडेट हैं, पास तो एक ही को होना है, तो फिर हम एक दूसरे से मतभेद रखने से क्या फायदा। चुनाव में किसी वोटर के पास आप जाएंगे तो कहेंगे ना कि हमको वोट दीजिए, ये भी कहेंगे? हाँ सर, अगर वोट के टाइम आएगा तो जरूर वोट के वोट मांगेंगे हम। किस बिहाफ पे कहें कि आप इनको ना तो इनको दीजिए, और ये किस बिहाफ पे कहेंगे इनको दीजिए? नहीं सर, हम ऐसा तो नहीं कह सके उनको मत दीजिए, लेकिन हम अपने लिए तो जरूर मांगेंगे। मैं भाईचारा वाला बात कर रहे हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल यही बात है। नहीं नहीं, सवाल ये है कि हम अपना पेशकश जनता के बीच रखेंगे, ये निर्णय जनता के हाथ में है कि जे किसको चुनना है। दो मुद्दा बताइए, मुद्दा पंचायत के पिछड़ेपन को दूर करेंगे, आप बताइए। देखिए सर, आम आदमी को चाहिए क्या? 5 चीज, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान। और नहीं सर, रोटी कपड़ा मकान नहीं। अच्छा, नहीं चाहिए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड, यही 5 चीज चाहिए ना। क्या स्थिति है? ये तो आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे। तो इधर रोड से आए हैं। आपने ये मेन रोड देख लिया, कुछ यहाँ से ज्यादा नहीं, 100 कदम चल के देखिए ना, फिर पता चल जाएगा आपको कि यहाँ क्या हालात है। और गली का ये आमने सामने देख सकते हैं, सामने में ही है, दाएं बाएं देख लीजिए जो गली के हालात है। हर वोट का चुनावी मुद्दा यही रहेगा इस बार? बिल्कुल, सड़क, रोड, बिजली, यही सब। सर ये अगर हमारे समाज के प्रोग्रेसिंग के लिए तो चाहिए, तो ये तो जरूरी है ना, 5 ही तो जरूरी है। कोरोना काल बीता है 5 साल में, सबसे बड़ा मुद्दा हमको अभी तक कोई बात करते इस पर नहीं दिख रहा है। लोग अभी जो मेन मुद्दा बन गया ना बाढ़, क्योंकि करंट मुद्दा है, लोग कोरोना का टाइम भूल गया है, उस समय जो धांधली हुआ उस पर कुछ। सर कोरोना काल में हमने धांधली हुआ है कि नहीं? बहुत ज़्यादा हुआ है धांधली के वजह से, तो हमारी सुप्रीमो पप्पू यादव जी को, यानी कि कितना मुखिया करोड़पति हो गया वही धांधली के चक्कर में। सर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, अधिकतम लोग ऐसे हैं, कुछ बोलना चाहिए। मास्क सैनिटाइजर के लिए लाखों लाख रुपया आया है, ये तो बात है, लेकिन खर्चा नहीं कहीं किया गया, कहीं भी कोई भी। बहुत ऐसे लोग बोले कि जो फंड आया था हम कोरोना काल में खर्चा कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल से लेकर हर जगह हम लोगों ने तैनात मिले, हर हॉस्पिटल में खाना, अधिकतम हॉस्पिटल में हमने खाना बांटा है, जो लोग बाहर लेटे हुए थे उन लोगों से लेके अधिकतम लोग जितना हम सक्षम थे उस अनुसार हमने खाना किया है। धांधली पे टिप्पणी? इस पर कोई विशेष हमारा टिप्पणी नहीं है। आप देखवे नहीं कि कोरोना काल में क्या चला, आपको नहीं पता? यहाँ की जनता भगवान के भरोसे निकल गया। आप जनता में नहीं आते हैं? हम भी निकले हैं उसी दौर से। तो कुछ तो बताइए, क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। इस पंचायत की एक भी जनता नहीं कह सकती है कि हमको कोरोना काल में किसी तरह का कोऑपरेशन, माने अति मुखिया, सरपंच या एबीसीडी किसी के द्वारा मिला। चाचा बहुत ऐसे बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोलिए चाचा, एकदम शॉर्ट में बोलिए। कोरोना काल में आपको क्या दिखा? कोरोना काल में मैं अपना बीता हुआ बात बता रहा हूँ, मैं भी कोरोना का पेशेंट था। सरकार की तरफ से जो भी विधि व्यवस्था आया था पंचायत स्तर पर, वह व्यवस्था हमारे पंचायत में 0 लेवल में चला गया। किसी भी प्रकार का जितना भी कोरोना से संबंधित समाधान सरकार दिया था, वह 0 लेवल पे हमारे पंचायत में। बिल्कुल हाँ, मैं 100% कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला, सिर्फ एक मास्क छोड़ के। मास्क मिला? हाँ मास्क मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। क्वारंटाइन सेंटर पे एक आदमी के लिए कितना पैसा था तलब, किसी का आइडिया है? एग्जैक्ट डाटा हमको नहीं पता, आई थिंक 2000 से ऊपर का ही एक दिन का एक आदमी का आता था, जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, जिनको अलग रखा जाता था उनके लेकिन लिए। लेकिन उनको खाना अपने घर से मंगा के खाना पड़ता था। वही पूछ रहे हैं, खाना अपने घर से मंगा के खाना पड़ता था। यहाँ भी सेंटर खुला था, इसे साबुन से लेके तेल तक सरकार से आता था। सर देखिए, ये बात हकीकत है कि सरकार ने बहुत चीज दिया, लेकिन लोगों ने पहुँचने देता।
इसलिए हम पूछ रहे हैं, इसलिए हम बोले शुरू में ही कितना मुखिया करोड़पति हो गया कोरोना टाइम। पंचायत पर हम कुछ बोलना चाहते हैं। अभी 23 तारीख, अगले 23 तारीख से हमारे पंचायत में 1 नंबर वार्ड और 3 नंबर वार्ड में बाढ़ का पानी इतना आया कि आदमी को घर में खाना बनाने के लिए जगह नहीं बचाता व्यवस्था है। प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल पासवान, ये भाई सही बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया, लेकिन अब मेरे सामने खड़े हैं, हम आते जाते रहे हैं। अरे आप आते जाते रहे हैं, आप हमारे नेता में काउंट कर दिए हैं, आपको नेता में काउंट करें जिसमें हमने अधिकतम देख लीजिए, एक मिनट सर, हम यहाँ पे यानी हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया अपडेट दिए हैं, हर एक दिन दो दिन बीच करके हमने पेपर में आते थे। हाँ, आते हैं, आए हैं, ये आए हैं, देखिए ये सामाजिक तौर पर, ये सामाजिक तौर पर सब लोगों से मिले हैं और जो हम लोगों का दुख था उस दुख में अभी शागिर्द हुए हैं, सहानुभूति जताए हैं। गुस्सा है वर्तमान में जो अभी गुस्सा इनका, जो मेरा गुस्सा है वही इनका भी गुस्सा है, जो देखिए इसलिए कि उनके उनके पास में पावर है और जो सरकार विधि व्यवस्था दिया है वह उनके पास मौजूद है और मौजूद होने के बावजूद भी हम लोगों को उसमें कोई इंसिडेंट। क्या हुआ आपका? मेरा नाम आनंदी पासवान हुआ। टीका दोनों ले लिए कि एगो लिए? टीका एक ठो लिए है, दूसरा का टाइम पूरेगा तब हम ले लेंगे। अल्लाह हो गया। कोरोना टीका का क्या व्यवस्था है? देखिए बहुत नहीं आ रहा है, आपसे आपसे बताने, एक महीना हो गया जब हम आए तो मेरी वहाँ पे बात हुई थी सिविल सर्जन से, तो 5 जगह उन्हें कैंप लगाए थे, उसके बाद महीना रोज हो गया। मैं कल बात किया था तो उन्हें बोले थे हम 17 तारीख या 18 तारीख में लगा देंगे, तो 16 तारीख की मेरी मीटिंग है उनसे, अगर मीटिंग हो जाएगी तो 17 से लेके 20 तारीख के बीच में। मार्क, हाँ, आखिरी लाइन जो कंक्लूड करना है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के अभी के माहौल पे, क्या लग रहा है कि जनता का मूड कैसा होने वाला है? बदलाव चाह रही जनता। एक लाइन में आखिरी कमेंट चुनाव के माहौल पे। देखिए जो अभी वर्तमान हमारे मुखिया हैं उनका 15 साल का शासनकाल का जब हम जनता आकलन करते हैं तो इस आकलन के आधार पर हमारा पंचायत बदलाव सोच रहा है। हाँ, तो 15 साल तक कोई आदमी जीत रहा है, कुछ तो कुछ देखिए, तो कुछ क्या है, कुछ डिफरेंट होना है। 15 साल तक अगर कोई राज करेगा तो कुछ डिफरेंट चाहिए। आप देखिए ना, चारों तरफ डिफरेंट ही डिफरेंट नजर आ रहा है, और क्या, सारे जगह बदलाव जय जयकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आशा में आदमी रह गए सर, बहुत मानना चाहिए तनका सानी सर, यहाँ इंक्वायरी किया जाए कि कितने जनता को ये पानी में है, कितने जनता सुखित में है, जनता ताक रहा है कि चिवड़ा मीठा आएगा, जनता चिल्ला रहा है चिवड़ा मीठा बोल देती है, चिवड़ा मीठा त्रिपाल, तो जनता कह रहा है कि नाम लिखा के वार्ड नंबर 1, जनता कह रहा है कि नाम लिखा के कर दिया, अगला चुनाव में आप भी खड़ा होइए। ठीक है सर, होएंगे फाइनल आखिरी कमेंट। जी मैं रामानंद राय सभी समाज को लेकर के ये घोषणा करता हूँ कि मैं इस बार जो है चेंज चाहता हूँ, बदलाव सभी समाज को लेके। जी पूरा मतलब मैं सिंगल नहीं, हाँ। सारे समाज मेरे साथ है। अगला प्रतिद्वंदी कहीं आपका बन ना जाए। नहीं पूरा समाज की तरफ से घोषणा कर रहे हैं, कोई नहीं। जी ठीक है, आप बताइए सर। मैं चाहता हूँ सर गांव के विकास होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं जी सर, डिप्लोमेटिक आंसर। आप बताइए क्या व्यवस्था पे, क्या कोई आखिरी बात कहना चाहेंगे? देखिए विकास से मतलब काम बढ़ता है पंचायत में, अब बदलाव से भी काम तेजी से बढ़ता है। ई मतलब अपना कैलन तो उसे हम बढ़ के करम तब ना हमारा अगला वर्चस्व बनी। रोटी पलट पलट के बनाते रहना चाहिए, पुराना कहावत। खाली 3 नंबर, चलिए खैर, वार्ड नंबर 1 पूर्णिया पंचायत था ये और हम यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे। आप देख रहे थे प्रकाश पानी को, अगर खबर पसंद आई तो उसको शेयर कीजिए, अपने लोगों तक पहुँचाइए और आपके पास कोई समस्या है ऐसी तो जरूर हमें बताइए। देखते रहिए प्रकाश पानी।